मंदिर हो या घर, हिंदू धर्म व संस्कृति के अनुसार भगवान को रोज भोग लगाकर प्रसाद बांटना पूजा का एक आवश्यक अंग माना जाता है। प्रसाद लेते समय हमेशा सीधा हाथ ऊपर रखना चाहिए और उसके नीचे उल्टा हाथ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उल्टे हाथ में प्रसाद लेना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अधिकतर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनकी सोच यही होती है कि यह एक तरीका अंधविश्वास है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका कारण क्या है। दरअसल हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर शुभ काम जिससे आप जल्द ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, वह काम सीधे हाथ से करना चाहिए। इसीलिए हर धार्मिक कार्य, चाहे वह यज्ञ हो या फिर दान पुण्य, सीधे हाथ से किया जाना चाहिए। जब हम हवन करते हैं और यज्ञ में नारायण भगवान को आहुति दी जाती है तो वे दाएं हाथ से ही दी जाती है। हिंदू शास्त्रों में किसी भी प्रकार के कर्म कांड को करते समय बाएं हाथ का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। फिर चाहे भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना हो, उन्हें भोजन अर्पित करना हो या फिर हवन की अग्नि में सामग्री अर्पित करना हो, इन सब के लिए दाहिने हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। सीधे हाथ को सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जाता है। हमारी परंपरा के अनुसार प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। यही सोचकर हमारे पूर्वजों ने यह मान्यता बनाई कि प्रसाद सीधे हाथ में ही लेना चाहिए। हनुमान जी की आरती में भी हम लोग यही गाते हैं, बाएं भुजा सब असुर सहारे, दाहिने भुजा संत जन उबारे। अतः कोई भी शुभ काम दाहिने हाथ से ही करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।